मुंबई में नाटकीय जलपाइप का धमाका हवा में बोलेरो को भेजता है। बोरेवली में पानी की पाइपलाइन फूटने से लगभग 36,000 लीटर पानी की बर्बादी हुई। मुंबई से नाटकीय मोबाइल फोन फुटेज दिखाती है कि एक एसयूवी एक भूमिगत जलपाइप फट के बाद हवा में फंसे होकर हजारों लीटर पानी और सीवेज सड़कों पर बहती हुई भेजती है। समाचार एजेंसी द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट की गई एक वीडियो सटीक क्षण को पकड़ लेती है कि पानी की जबरदस्त ताकत ने महिंद्रा बोलेरो को हवा में 10 फीट ऊपर भेजा। सौभाग्य से कोई चोटों की सूचना नहीं मिली। समाचार एजेंसी के मुताबिक उत्तर पश्चिम मुंबई के बोरेवली के पड़ोस में पानी की पाइपलाइन फट रही है। फुटेज पड़ोस के निवासियों को टकने वाले गहरे पानी के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है ताकि वे अपने वाहनों को सूखने वाले क्षेत्रों में ले जा सकें। जैसे जैसे चरम बल से पानी निकलता है अचानक एक सफेद बोलेरो हवा में फंस जाता है। हर किसी के सदमे से ज्यादा। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पानी कम से कम 2 मंजिलों की ऊंचाई तक बढ़ गया। वीडियो पाइपलाइन से बाहर निकलने वाले पानी के फव्वारे को देखकर सड़कों पर मूंगमारियों को चिल्लाता है। कई वीडियो रिकॉर्डिंग और उनके मोबाइल फोन पर असाधारण दृष्टि की तस्वीरें ले रहे हैं। एशियाई आयु के अनुसार यह घटना मंगलवार को लगभग 1 बजे हुई थी और पाइप फट के कारण कम से कम 3 अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया था। चिंता की बात है कि पाइपलाइन के फटने लगभग 36,000 लीटर पानी की बर्बादी का अनुमान लगाया। बृहन्मुंबई नगर निगम पीएमसी ने बुधवार तक 72 इंच की पानी की पाइपलाइन की मरम्मत की। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह जानकारी दी। इसी तरह की घटना यूक्रेनी राजधानी कीव में हुई पिछले साल। निगरानी कैमरों ने सटीक पल पकड़ा। एक भूमिगत जल पाइप नाटकीय रूप से फट गया। बड़े पैमाने पर विस्फोट हवा में उड़ने वाली कारों को भेजते थे और आसपास के इलाकों में संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाते थे।